सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार जैसे कई सियासत के धुरंधर नेता बेंगलुरु में जमा हुए। एजेंडा है 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने की साझा रणनीति बनाना। बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी पार्टियों की दूसरी मीटिंग है। इस बैठक के लिए एजेंडा और मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी तय किया गया, ताकि इस बार विपक्षी एकता की दशा में कोई ठोस निर्णय लिया जा सके। बीते महीने जून में पटना में नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। नीति तैयार होने के हिसाब से तो वो बेनतीजा रही थी और इस दौरान बैठक में शामिल हुए दलों के बीच किसी भी तरह की आम सहमति नहीं बन पाई थी और यही वजह है कि ये मीटिंग इतनी खास अब होने जा रही है। इस बैठक पर सबकी निगाहें इसलिए हैं क्योंकि पहली और दूसरी बैठक की इस तारीख के बीच में महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा फेरबदल हुआ। शरद पवार, जो कि अब तक विपक्षी एकता में एक बड़े नेता के नजरिए से देखे जा रहे थे, वो पारिवारिक टूट के साथ पार्टी बचाने के जद्दोजहद से जूझ रहे हैं। अब ऐसे में विपक्षी एकता का एक कार्यक्रम किस तरह से हुआ, इसके खास एजेंडे क्या थे और मिनट टू मिनट कार्यक्रम कौन कौन से थे, इस पर भी एक नजर डालते हैं। अब तक की जो खास जानकारियां सामने आई है उसके मुताबिक विपक्षी मीटिंग के मिनट टू मिनट कार्यक्रम, विपक्ष के नेताओं की बैठक 6 से 8 बजे के बीच आयोजित की गई थी। ये एक औपचारिक बैठक थी और इसके बाद 8 बजे कर्नाटक के मुख्यमंत्री द्वारा सभी विपक्षी दलों के लिए रात्रि भोज का आयोजन किया गया था। 18 जुलाई यानी कि आज के दिन सभी बैठकें सुबह 11 बजे से शुरू हो चुकी है। तकरीबन शाम 4 बजे ये मीटिंग चलती रहेगी। इस मीटिंग में कांग्रेस पार्टी से कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल मौजूद रहे। वहीं आपको ये भी बता दें कि विपक्ष की इस मीटिंग में कुल 26 पार्टियों के नेताओं ने शिरकत की। उनमें कुछ ऐसी नई पार्टियां भी थी जिन्होंने विपक्ष की पहली मीटिंग में शामिल नहीं हुए थे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं बेंगलुरु की बैठक में विपक्ष के कौन कौन से नेताओं ने शिरकत की। मीटिंग में शिरकत करने वाली पार्टियों में सबसे पहला नाम है बेंगलुरु की बैठक में विपक्ष के कौन कौन से नेता आए। कांग्रेस, TMC, CPI, CPM, NCP, JDU, DMK, आम आदमी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, शिवसेना, उद्धव गुट, RJD, सपा, JNK, NC, PDP, CPI, ML, RLD, IUML, केरल कांग्रेस, केरल कांग्रेस M, MDMK, VCK, RSP, KMDK, AIFP, अपना दल कमेरावादी, मनीथानिया, मक्कन काची, MMK। वहीं आपको ये भी बता दें कि पहले दिल्ली के CM केजरीवाल के आने पर भी संशय बना हुआ था, लेकिन कांग्रेस ने रविवार को दिल्ली में केंद्र की तरफ से लाए गए अध्यादेश के खिलाफ आपको समर्थन देने की घोषणा कर दी है। इसके बाद केजरीवाल ने मीटिंग में शामिल होने की बात कही। दरअसल पहली बैठक में केजरीवाल ने दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस के स्टैंड को लेकर नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने समर्थन नहीं दिया तो वे दूसरी बैठक में नहीं आएंगे। बता दें कि पिछली बैठक की तरह बेंगलुरु चर्चा का भी कोई तय एजेंडा नहीं हुआ। हालांकि कहा जा रहा है कि पटना बैठक के राजनीतिक पहलुओं के बाद बेंगलुरु में ज्यादा मुद्दों पर गौर किया गया। वहीं इस बैठक में सोनिया गांधी की मौजूदगी को भी राजनीतिक पंडित महत्वपूर्ण मान रहे हैं। कांग्रेस को 23 की बैठक के बाद लगने लगा है कि बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा बनाया जा सकता है, इसलिए कांग्रेस की ओर से सोनिया गांधी भी इस बैठक में मौजूद रहीं। सोनिया गांधी के इस बैठक में रहने के कुछ समस्या आए तो उसके कद और अनुभव से इसका वही निराकरण हो सकता है। इसके साथ ही कई ऐसे रीजनल पार्टी के नेता जो राहुल गांधी की अगुवाई को पसंद नहीं करते, ऐसे नेताओं को सोनिया गांधी बेहतर तरीके से हैंडल कर सकती हैं। कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि सोनिया गांधी जल्द ही बड़ी घोषणा भी कर सकती है जो तमाम नेताओं के लिए भी बड़ा मैसेज हो सकता है। बहरहाल विपक्षी दल सोनिया गांधी के सहारे ऐसा रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं जो 2024 में मजबूत गठबंधन बने और बीजेपी को टक्कर दे सके। खैर, अब तो वक्त ही बताएगा कि विपक्ष की इस बैठक का आगामी लोकसभा चुनाव में क्या असर पड़ता है। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।